गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सब का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको मैं अलग अलग सब्जेक्ट की बेहतरीन जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार मेरे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के बीच भी शेयर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा उसी तरह एक लंबी सीरीज होगी, लगातार इस पर वीडियोज आएंगे। पिछले वीडियोज में मैंने हिस्ट्री के दो वीडियोज बनाए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण का संक्षिप्त जिक्र किया, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। आप उसको बस ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू, ओके। और इसी प्रकार का एक सीरीज मैं आप पॉलिटी अर्थात राजनीतिक विज्ञान भारतीय राज व्यवस्था और शासन से लाने वाला हूं, और आज का पहला वीडियो इसी पर होगा। कोशिश जारी रहेगी लगातार आपको वीडियोस देने का। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों और फैमिली के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको अपने पहले वीडियोस पॉलिटी के पहले सेक्शन में आपको रूबरू कराता हूं कि क्या है भारत में आखिर राज्य व्यवस्था, संविधान कितनी जरूरी है, संविधान का विकास यात्रा कैसा रहा, संविधान के बनाने में कितनी सारी अड़चनों का एक तरह से सामना करना पड़ा और कितनी मशक्कत के बाद हमारा भारत का संविधान बना। इससे पहले इसके हम पृष्ठभूमि को जानेंगे। तो सबसे पहले है कि भारत का संविधान वास्तव में भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और स्वयं को समर्पित कर दिया गया है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। अगर देखा जाए तो मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, ठीक है, और 395 अनुच्छेद उस समय शामिल थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें एक प्रस्तावना है, 25 भाग है, 465 से ज्यादा अनुच्छेद इसमें जिक्र किए जा चुके हैं और अभी वर्तमान में ये जारी भी है और 12 अनुसूची हैं। जी हाँ, 12 अनुसूची, पहले 8 अनुसूचियां थी, ओके। अब हम लोग संवैधानिक विकास यात्रा को एक तरह से गौर करेंगे कि संवैधानिक विकास यात्रा क्या है, संविधान के विकास यात्रा में किन किन आखिर रास्तों को अपनाया गया। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण एक लंबी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उसका गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अभिन्न रूप से जुड़े हुए ऐसे ऐसे अनेक अधिनियमों, जो बहुत सारे जो एक्ट पार किए गए थे, बहुत सारे जो अधिनियम बनाए गए थे और बहुत सारे जो चार्टर थे जिनमें समय समय पर ब्रिटिश संसद में पारित करता गया और हमारे संविधान की पृष्ठभूमि तैयार बनी। इसके अलावा भारत के जो संविधान में है, विश्व के तमाम देशों से कुछ ना कुछ स्वीकार किया गया है और उसको अपने भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार उसको ढाला गया है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ कंपनी के मामले में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो सबसे पहला अगर शुरुआत था कि कंपनी को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर एक तरह से व्यापक जो अनुशासनहीनता थी, जो एक तरह से मतलब गड़बड़ी उत्पन्न हुई थी, राजस्व इकट्ठा नहीं हो रहा था और बहुत से जो स्वार्थ परक प्रवृत्तियों को एक तरह से लगाम लगाने के लिए ब्रिटिश क्राउन ये सोच रही थी कि किस प्रकार से उस पर कंट्रोल स्थापित किया जा सके ताकि इस ये जो कंपनी है बेलगाम ना हो जाए। इसी के समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। ध्यान रहे, इसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण नहीं था बल्कि कंपनी की भारतीय सत्ता पर, ठीक है, भारतीय सत्ता पर एक तरह से संसदीय नियंत्रण स्थापित करना था। जो ओवरऑल जो काम अब कंपनी कर रही थी, अब वह काम कंपनी पर रेगुलेटिंग तरीके से होगा, बेहतर तरीके से होगा, ताकि भारतीयों पर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब एक तरह से नियम चलने लगे। इसमें क्या क्या किया गया, तो इसमें बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी अर्थात आप जानते होंगे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को हटाकर तीनों प्रेसिडेंसी का बंगाल का प्रेसिडेंसी बना दिया गया। इसके बाद राजस्व से संबंधित सभी मामलों और दीवानी और सैन्य प्रशासन संबंधित किए जाने वाले कार्यों के बारे में सरकार को अवगत कराना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें दीवानी, फौजदारी, जल सेना और धार्मिक मामले इत्यादि देखे जाते थे, ओके। दिस इज सफिशियंट फॉर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि सुधार एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में जो कुछ कमियां थी, जो कुछ मतलब सुधार होना था, उसमें और भी बेहतरीन सुधार लाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है और कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए ये पास किया जाता है। तो इसके कुछ प्रमुख बातें, तो राजनीतिक जो दायित्व तो है वो भारत वो जो भार है राजनीतिक दायित्व का भार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल को, जिसमें ब्रिटेन का अर्धमंत्री, विदेश सचिव और प्रिवी काउंसिल के सदस्य में चुने जाने वाले लोग थे, शामिल थे। ठीक है, ध्यान रहे कि इस जनरल परिषद में परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 4 से कम 3 कर दी गई थी। ओके, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट। देखिए 1813 का पहला चार्टर एक्ट है, राजलेख द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब इसमें कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया। फिर भी ध्यान रहे कि इसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापार था अभी वो बरकरार था, उसमें मोनोपोली अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी। लेकिन इस राजलेख के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया खर्च करने की बात की गई, जो कभी हो ही नहीं पाया शायद। इस राजलेख के द्वारा ईसाई जो प्रचारक थे, ईसाई धर्म के जो ईसाई मिशनरियों की स्थापना करने का एक तरह से गारंटी दे दिया गया कि ठीक है आप ईसाई मिशनरियां स्थापित कीजिए, अधिक से अधिक भारतीयों का ईसाईकरण कीजिए और अधिक से अधिक हमला हमारे काम करने वाले लोगों को तैयार कीजिए। उसके बाद फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। संविधान के निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के आलेख में हमें मिलने लगते हैं। मतलब हमारा संविधान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्षण अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1833 के कुछ लक्षण दिख जाएंगे, इसलिए इसको पहला संविधानिक सुधार के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जैसे कि आप जैसे इसमें कि इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब संस्थागत विशेषीकरण पर ध्यान दिया गया। और सबसे बाद कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे चाय और चीन के साथ भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी को एक प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया गया कि अब वो प्रशासन और राजनीति का काम देखें ना कि व्यापार का काम। इस राजलेख के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रहे एक तरह से केंद्रीकरण किया जा रहा है, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है जो पूरी तरह से भारत में अब स्थापित हो चुकी थी। संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के परिषद को दे दिया गया। कानूनी सदस्य की एक नियुक्ति की गई। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और फाइनली 1843 में इसको भारत में दास प्रथा का समाप्ति कर दिया गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1853 के चार्टर एक्ट को। 1853 के चार्टर एक्ट अगर देखा जाए तो इसमें ब्रिटिश संसद को किसी भी समय भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने का एक तरह से अधिकार दे दिया गया कि किसी भी समय ब्रिटिश संसद कंपनी से शासन व्यवस्था छीन सकती है और भारत से उसे वापस बुला सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस राजलेख के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी, जो सिविल कर्मचारी थे, उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का जो तैयारी था पहले उसको इंडियन सिविल सर्विस नहीं बोल के, ठीक है, आईसीएस बोला जाता था, ये खुली प्रतियोगिता की परीक्षा की व्यवस्था पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। इस राजलेख द्वारा भारत विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड से एक विधि आयोग की स्थापना भी की गई थी और फाइनली बंगाल का अलग गवर्नर जनरल नियुक्त करने की व्यवस्था इस राजलेख में की गई। ओके, अब हम लोग ताज के शासन का व्यवस्था पढ़ेंगे कि ताज की शासन व्यवस्था, अब तक जो एक्ट पढ़े 1813 का, 1833 का, 1853 का, ये तीनों जो चार्टर थे वास्तव में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या कर रहा था। और अब 1857 का क्रांति हो जाएगा, इसी बीच 1857 की क्रांति के कारण बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, ब्रिटिश संसद को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कंपनी बेलगाम हो जाए और भारतीय लोग उग्र होकर कंपनी को खदेड़ दे, जिससे जो ब्रिटेन का जो सपना था कि इस भारतीय सुनहरी चिड़िया को किस तरह से निचोड़ा जाए, किस तरह से इसको बखोला जाए, मतलब ओवरऑल कंसेप्ट चेंज होने वाला था यहाँ पर। इसलिए अब हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। मतलब इसको भारत शासन को अच्छा बनाना, भारत में बेहतरीन
की बेहतरी की कोशिश करने की व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ऐसा माना जाता है। देखिए, कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। अब कंपनी की जो सेना थी अब वो ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाएगी। इसके अलावा अधिनियम द्वारा भारत में राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता देने के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद की स्थापना की गई। 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद की स्थापना की गई। ओके, और अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, और पहला जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ओके, तो इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि ब्रिटिश क्राउन का एक तरह से अब डोमिनेशन भारत में होने वाला है। ठीक है, कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है 1858 के एक्ट के द्वारा। उसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कहते हैं। इसमें क्या हुआ गया कि गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत का निर्माण करने और जो नया नया जो प्रांत बन रहा था उसमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल भारत की शांति, उसकी सुरक्षा, ब्रिटिश हितों की परिषद में बहुमत की अपेक्षा कर सकता था। गवर्नर जनरल को मैं तो एक तरह से वीटो दिया गया था कहा जाए तो। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का एक तरह से अधिकार दे दिया गया। यही ऑर्डिनेंस जो आज भारत के संविधान में दिखता है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास और 213 के तहत भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें राज्यपाल के पास है ऑर्डिनेंस जारी करने का। और ऑर्डिनेंस जो जारी होता है वो संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन अगर कार्य नहीं कर रहा है यानी सत्र में नहीं है तभी जारी किया जा सकता है। और ये लगभग लगभग कानून के बराबर ही होता है। हालांकि ऑर्डिनेंस को एक तरह से कानून का रूप देने के लिए इसको दोनों संसदों की अनुमति जरूरी है 6 महीना 6 सप्ताह के अंदर ही अंदर। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो चुका था। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण व्यवस्था एकदम पूरी मजबूत हो गई थी और अब विकेंद्रीकरण शुरुआत हो रहा। 1861 में पहली बार प्रांतों पर विचार किया गया, प्रांत को शक्ति देने की, मतलब गवर्नर जनरल जो है प्रांत में कहीं ना कहीं स्थापित करने की, इसलिए इसको विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि शक्ति का अब हम लोग छोटा छोटा स्तरों में बांटने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक प्रश्न आए रहे, समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से। इसे देखा जाए तो मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1919 नहीं बल्कि 1909 का जो एक्ट है इसे मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो भारत के उस समय मंत्री और तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इस अधिनियम की कुछ अगर प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालें तो सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार तो होना ही था। उसके बाद सरकारी सदस्यों की बहुमत व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय प्रचार प्रसार हो रहा था और अंग्रेज भी कहीं ना कहीं इससे भयभीत थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तुष्टिकरण की नीति तो चल ही रही थी, मतलब गाजर खिलाओ और फिर एक डंडा चलाओ, यही था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी, यू नो अबाउट दैट। अंग्रेजों की यही पॉलिसी ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखने के लिए एक तरह से मदद किया। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत तो बरकरार रखा गया। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति का बात किया गया कि इसमें भारतीयों की नियुक्ति केंद्रीय परिषद के साथ साथ प्रांत परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति होना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। और याद रखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको लॉर्ड सिन्हा भी कहते हैं, को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया और वो प्रथम भारतीय विधि सदस्य बनाए गए। इस अधिनियम के द्वारा हालांकि सबसे खतरनाक बात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन के घातक सिद्धांत का सूत्रपात कर दिया गया। मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा पृथक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को जन्म दिया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए, भारत को एक उत्तरदायी सरकार की
स्थापना के उद्देश्य के तहत 1919 भारत शासन अधिनियम बनाया गया। 1921 में इसको लागू भी कर दिया गया। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। पहले वाले को लॉर्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, तो इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसके कुछ प्रमुख अगर प्रावधान देखें, विशेषताएं देखें, तो सबसे पहली बात, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, पहला राज्य परिषद और दूसरा है केंद्र विधानसभा। सदन में मुसलमानों और सिखों को सांप्रदायिक आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, अर्थात जो पहला बार 1909 में केवल मुसलमानों के लिए या मुस्लिम वर्गों के लिए जो अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, अब उसको बढ़ाकर सिखों और महिलाओं और दलितों के बीच भी उसको बांट दिया गया। इसके अलावा केंद्र विधानसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता था, ठीक है, और प्रांत विधान परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, मतलब केंद्र विधान परिषद में और प्रांत विधान परिषद दोनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुनाव होता था, ठीक है। हालांकि चुनाव जो है पूरे सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जो लगान देते थे, जो मतलब एक तरह से पूंजीपति लोग थे, बड़े लोग थे, उन्हीं को एक तरह से देखा जाए तो सही ढंग से, मतलब एक तरह से विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था और सही ढंग से इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय शासन के क्षेत्र में, प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली जिसको डायरकी कहते हैं, उसको लागू कर दिया गया। 1919 में प्रांतों में डायरकी सिस्टम लागू किया गया और इस द्वैत शासन के जन्मदाता लॉयनल कॉटिस को प्रांतों में, ठीक है, डीआरकी सिस्टम स्टेब्लिश करने का एक तरह श्रेय दिया था। अब हम लोग फाइनली जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, तो इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया तथा संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। भिन्न भिन्न विषयों की सूची बनाई गई। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे, प्रांत सूची में उस समय 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, ठीक है, जो आज आप जानते ही हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसके अलावा अवशिष्ट सूची भी है, ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन हो गया, डीआरकी इन द केंद्र, यानी सेंट्रल में डीआरकी 1935 एक्ट के द्वारा आया था, लेकिन राज्य में यानी प्रांतों में डीआरकी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, एक राज्यसभा और दूसरा है संघीय सभा। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा एक संघ न्यायालय के गठन की बात भी की गई, संघ न्यायालय, जी हाँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और इसके बाद हम अंतिम बोलेंगे तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और इसे ऑटोनॉमी प्रदान कर दी गई और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त कर दिया गया, ठीक है, प्रांतों में। और फाइनली अधिनियम के द्वारा भारत में 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था और 5 प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। और 1935 के बाद 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे चर्चित रूप से माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया जाता है और फिर फाइनली 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेजों की एक भव्य और वास्तव में गौरवपूर्ण विदाई होती है और भारत और पाकिस्तान दो एक तरह से मुल्क, दो अधिराज्यों की स्थापना होती है। पंजाब और बंगाल विभाजन की व्यवस्था की जाती है और उसकी भी सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित हो गए। इस अधिनियम में प्रस्तावित थी कि प्रत्येक अधिराज्य के लिए एक पृथक विधानमंडल होगा, कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा, ब्रिटिश संसद पर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ब्रिटिश संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ गया कि एक तरह से संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट कि किस प्रकार से अलग अलग एक्टों की क्या भूमिका थी, संविधान निर्माण में इनकी क्या एक तरह से रोल रहा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे संविधान सभा के बारे में और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और फिर मूल
कर्तव्य और डीपीएसपी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो जारी रहेंगे, आप मेरे वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।